12 मई को विश्व नर्सिंग दिवस मनाते हुए शहर के ख्याति प्राप्त अस्पताल बीएमशाह अस्पताल ने अपना नवा स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में केक सेरेमनी आयोजित की गई, जहां विशेष तौर से अस्पताल में कार्यरत पूरे नर्सिंग स्टाफ के कार्यों की प्रबंधन ने खूब तारीफ की और अपने स्टाफ को अस्पताल की सबसे बड़ी ताकत बताया। 12 मई को विश्व नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी अस्पतालों में अलग अलग आयोजन करके नर्सिंग स्टाफ का सम्मान भी किया जाता है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ किसी भी अस्पताल के लिए सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मरीजों को प्रवेश द्वार से अस्पताल के अंदर लाने और उपचार के पश्चात ठीक हो जाने के बाद उन्हें प्रवेश द्वार तक छोड़ने की जिम्मेदारी तक यह नर्सिंग स्टाफ उठाते हैं। इन्हीं के सम्मान में शहर के प्रतिष्ठित बीएमसा अस्पताल में नर्सिंग दिवस पर केक सेरेमनी का आयोजन किया गया। विशेष बात यह रही कि आज ही के दिन बीएमसा अस्पताल ने अपना नौवां स्थापना दिवस भी मनाया। इस अवसर पर अस्पताल के सभी नर्सिंग स्टाफ एवं विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एकत्रित होकर केक काटा और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को दोनों ही दिवसों की बधाई दी। विश्व नर्सिंग दिवस पर नर्सिंग स्टाफ को मिले सम्मान से वह भी काफी खुश नजर आईं और उन्होंने भी एक दूसरे को केक खिलाकर विश्व नर्सिंग दिवस की एवं बीएमशाह अस्पताल के स्थापना दिवस की बधाइयां दी। विश्व नर्सिंग दिवस एवं बीएमशाह अस्पताल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी बीएमशाह अस्पताल प्रबंधन ने उपलब्ध कराई। आज हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे हॉस्पिटल ने सफलतापूर्वक 9 साल कंप्लीट किए हैं। और एक चीज़ और है कि आज जो इंटरनेशनल नर्स डे है, नर्सिंग डे है, आज दोनों ही सेलिब्रेशन हम अपने स्टाफ के साथ, जो हमारा परिवार है, उसके साथ मिलकर मना रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य था फाउंडेशन डे में कि जो निःशुल्क शिविर लगाना है वो भी सफलतापूर्वक चल रहा है, जो कल आखिरी दिन है, तो लोगों से अपील है कि इस शिविर का जो है भरपूर लाभ उठाए। और मैं भिलाई की जनता से भी अपील करता हूँ कि अभी तक जितना हमको सहयोग दिया है और आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। सर्वप्रथम मैं आज, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 12 तारीख है और आज नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड नर्सेज डे, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज नर्सेज डे और आज हमारे हॉस्पिटल का फाउंडेशन डे भी है, दोनों को हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ। जो हमारे फैमिली है, जो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, उनके साथ हम मना रहे हैं। इस चीज़ की मुझे खुशी भी है और मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। और एक हमारी जो आज हमने पहल शुरुआत की है, इस बार से एक पहल की है हमने कि जो हमारा, हमने एक कैंप लगाया सप्ताह भर का, जिसमें सारी जाँचें 50% ऑफ के साथ और सारी ओपीडी फ्री रखी हुई है, जिसका कि लोगों ने भरपूर उपयोग भी किया है और लाभ भी उठाया है। पहले तो आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे की बधाइयाँ। और बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे हॉस्पिटल का 9वीं वर्षगांठ है, जिसे हम सफलतापूर्वक 9 साल कंप्लीट किए आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और हॉस्पिटल की टीम के सहयोग से। फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हमने 8 तारीख से 13 तारीख तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर रखा था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसका लाभ उठाया। बड़ी बड़ी जाँचें थी, हमने उसको डिस्काउंट रेट पर रखा था, सभी ने उसका फ़ायदा उठाया। कल उसका लास्ट डे है, जैसा कि जानकारी है आप सभी को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे में नर्सों के लिए एक जो महामारी में उन्होंने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत सबको बधाइयाँ, धन्यवाद। कार्य कोई भी हो, कार्य क्षेत्र कोई भी हो, सभी कार्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारी का सम्मान आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे सम्मान से कर्मचारियों के हौसले बुलंदी को छूते हैं और उनकी कार्य क्षमता बढ़ने के साथ साथ कार्यों में निखार भी आता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।